आज हम ब्लाउज का वी नेक बनाते हैं। वी नेक ब्लाउज में बहुत ही अच्छा लगता है और आजकल चलन में भी है। इसके लिए हमने अस्तर और मेन कपड़ा दोनों का पीछे का पार्ट काट के ले लिया है ब्लाउज का। अब हम पहले अस्तर में निशान लगा लेते हैं। अस्तर को हमने डबल करके रखा है। अब हम ऊपर से 3 इंच निशान लगा लेंगे। ये गले की चौड़ाई लगा ली है हमने और गले की गहराई हम 10 इंच ले लेंगे। अपने हिसाब से जितना गहरा पहनना है उतना ले लेंगे। हमने 10 इंच लिया है। अब इसको हम जोड़ देंगे इस तरीके से। चौड़ाई 3 इंच ली है, ये डबल में कपड़ा रखा है। अब हम इस तरीके से वी शेप थोड़ा गोल करते हुए देंगे, इस तरीके से बिल्कुल एकदम सीधा वी नेक नहीं देंगे। अब ऊपर से थोड़ा लाइन के बाहर कर देंगे इस तरीके से। अब इस कपड़े को खोलकर हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे और इसको हम दूसरी तरफ भी छाप लेंगे। इस तरीके से प्रेस करेंगे, ये दूसरी तरफ भी छप जाएगा। आप देखिए इस तरीके से हमें वी नेक बनाना है। इस लाइन को भी हम डार्क कर लेंगे। यहाँ ऊपर से थोड़ा सा हमें इस शेप में देना है, एकदम खड़ा वी नेक नहीं देना है। अब इसको हम काट लेंगे मेन कपड़े पे भी, दोनों हम काट लेंगे। पहले अस्तर काटेंगे हम, एक साथ दोनों नहीं काट रहे हैं। ये देखिए पहले हम केवल अस्तर का नेक काट लेते हैं। ये हमने काट लिया है। अब हम इसका मेन फैब्रिक जो है ब्लाउज का, उस पे हम काट लेते हैं। इस तरीके से हम अस्तर को ब्लाउज के कपड़े पर रख के इसको भी काट लेंगे। इस तरीके से अच्छे से सेट करके रख लेंगे कपड़े को। ये हमने काट लिया है। अब हमें इस तरीके से कपड़े को खोल के रखना है। ये अस्तर है, अस्तर को हमने इस तरीके से खोल के रख लिया है। देखिए कितनी अच्छी वी शेप है। और मेन फैब्रिक को भी हम रख लेंगे। इसमें हमने सीधा साइड अंदर की तरफ रखा है और ये हम उल्टा साइड है। अब अस्तर और मेन कपड़े को हम पकड़ लेंगे इस तरीके से और यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे एक पैर की। इस तरीके से दोनों कपड़े पकड़ के दबा लेने हैं और एक पैर की हम सिलाई लगा लेते हैं। इस पूरे गले पे हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें आराम से लगानी है, धीरे धीरे आराम से हम पूरे गले को सिलेंगे। कपड़े को इस तरीके से सेट करते जाएंगे कपड़ा, क्योंकि हमने इसमें बुकरम नहीं लगाई है, सादा गला है, इसलिए इसको आराम से करना है। अब यह इस जगह पर, यहाँ पे नोक बनानी है हमें वी कट की, इसलिए इसको यहाँ से आराम से कपड़े को घुमा के आगे के गले में सिलाई लगा लेंगे। नोक पे हमें ध्यान देना है, शार्प नोक बनानी है। और अब पूरा गले को हम इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। कपड़ा अच्छे से सेट करते जाएंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हमने एक पैर की सिलाई ये पूरे गले पर लगा ली है। अब हम इस गले को देखिए, यहाँ से नोक से हमें कट लगाना है और नीचे की तरफ यहाँ सिलाई मारनी है। ये हमने कट लगा लिया यहाँ पे और नीचे सिलाई मार ली है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। साइड के ओपन एरिए से हम इसको ब्लाउज को सीधा कर देंगे इस तरीके से। ये हमने ब्लाउज सीधा कर लिया है। अब इसको सेट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए नीचे भी सिलाई लग गई है और ऊपर भी शेप आ गई है। अब हम इसको टॉप सिलाई दे देंगे यहाँ पे और नीचे की तरफ भी, दोनों जगह पर गले पे और नीचे हम सिलाई लगा लेते हैं एक टॉप सिलाई इस तरीके से। अब गले में सिलाई लग गई है, ऐसे ही हम नीचे भी लगा ली है हमने सिलाई। ये देखिए पास से ये हमने गले पे पूरी सिलाई लगा ली है और नीचे की तरफ अब हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए गले की चौड़ाई 6 इंच है और गहराई 10 इंच ली थी हमने।
ब्लाउज हमने 15 इंच का बनाया है, 15 इंच लंबा ब्लाउज बनाया है। अब जो शोल्डर है उसका सेंटर से इस तरीके से मोड़ लेंगे और ऊपर से 10 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे और इधर 1 इंच की हम प्लेट इस तरीके से दे देंगे। दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही करना है, शोल्डर का बिल्कुल सेंटर से मोड़ेंगे और ऊपर से 10 इंच नीचे की तरफ इस तरीके से प्लेट दे दी है, पीछे की प्लेट। अब ये हमने गला भी बना लिया है और ये प्लेट्स भी दोनों डाल ली हैं। हमारा वी गला बिल्कुल अच्छा सा प्रॉपर परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम आगे के पीस जोड़कर इस ब्लाउज को सिल लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही सरल और सिंपल तरीका है वी नेक बनाने का।